ये कोई गुल्ली डंडे का खेल हो गया, जब मर्जी इस्तीफा दे दो, जब मर्जी चुनाव लड़ लो, प्रजातंत्र का मजाक मत उड़ा। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की जगह नालो की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती। ये है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिन्होंने एलनाबाद से पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में इनेलो के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला पर जमकर हमला बोला है। दरअसल अभय चौटाला की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर किसान कहेंगे तो वो दोबारा चुनाव जीतने के बाद शपथ नहीं लेंगे और इस्तीफा दे देंगे, जिस पर विज ने कहा कि चुनाव कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं है। उन्होंने अभय से अपील की है कि लोकतंत्र का मजाक न बनाए। नहीं, ये कोई गिल्ली डंडे का खेल हो गया, जब मर्जी इस्तीफा दे दो, जब मर्जी चुनाव लड़ लो, ये तो प्रजातंत्र का मजाक हो गया, लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया। आप एक बात कहते हैं और त्याग पत्र देते हैं, अपनी बात पर पूरा नहीं उतरते और फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर ऐसी बात कहते हैं, प्रजातंत्र का मजाक मत उड़ा। साथ ही जब विज ने किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम 11 महीने तक किसानों के आंदोलन से संयम से निपटे हैं, वहीं अगर इस दौरान कांग्रेस या इनेलो की सरकार होती जो खुद को किसान हितैषी कहते हैं तो कई बार गोलियां चल चुकी होती। एलनाबाद में भारतीय जनता पार्टी शर्तीय चुनाव जीतेगी, बाकी जो पार्टियां मुकाबले में हैं और जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताती हैं, उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां चलाई हुई हैं। हम 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ निपट रहे हैं, संयम से निपट रहे हैं। अगर इन पार्टियों की सरकार होती, कांग्रेस की जगह इनेलो की होती, तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती है। और किसानों के लिए जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जितना हरियाणा की सरकार ने किया है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। लोग इस सच्चाई को जानते हैं। कुछ नकली नेता किसान के भेष में शोर मचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता हकीकत समझ चुकी है। बहरहाल एलनाबाद उपचुनाव में प्रचार के साथ ही चुनावी शोर गुल भी थम गया है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते दिखाई पड़ रहे हैं। देखना होगा कि जब 2 नवंबर को नतीजे आएंगे तो एलनाबाद में किसकी किस्मत खुलती है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।